इंग्लिश बोलनी है तो ये करना ही पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश देन यू मस्ट हैव टू डू। यू नो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग दिस सिचुएशन, हाउ यू आर टेकिंग दिस प्रॉब्लम। इफ यू आर रियली वेरी पैशनेट, यू आर सीरियस अबाउट दिस थिंग, देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू अकम्प्लिश योर गोल। इट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई निर्णय लेते हो, कोई डिसीजन लेते हो कि आपको ये काम करना है, अगर आप सीरियसली उस चीज़ को लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी इन्वायरमेंट आपके पास बन जाता है। आप खुद उस चीज़ के लिए एक से एक एफर्ट्स डालने लगते हो। सपोज कि मैं एक बिगिनर हूँ, ओके, आई एम अ बिगिनर और आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई डोंट नो हाउ बिकॉज देर इज़ नो वन टू प्रैक्टिस विद मी एज वेल एज देर इज नो इन्वायरमेंट, देन हाउ कैन आई। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉसिबल है भी और नहीं भी, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितने सीरियस हैं, आप कितने पैशनेट हैं, आपको सच में ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप पक्का उस चीज़ को कर लेते हो। जस्ट लाइक अभी आपको उठा के अगर स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए और आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप पक्का हाथ पैर मारोगे, आप एफर्ट्स डालोगे और आप उस प्रॉब्लम से निकलने के 100 तरीके खोजोगे, 100 तरीके अप्लाई करोगे और आप पक्का उस चीज़ में सफल हो जाओगे। इसी तरह जब आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आपको एक्शंस लेने होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना ही होता है, अदरवाइज डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है, तो आप उस चीज़ को पक्का कर लेते हो। ऑल इन ऑल आई कैन से, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और आपके पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो आपको करना है या तो मरना है, देन ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू फाइंड सो मैनी वेज, डिफरेंट डिफरेंट वेज टू लर्न दिस लैंग्वेज। एंड देयर इज नॉट ओनली वन वे टू लर्न दिस लैंग्वेज, देयर आर सो मैनी थिंग्स, देयर आर सो मैनी प्रैक्टिसेज दैट वी आर सपोज टू डू। इट्स लाइक लिसनिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस। अलॉन्ग विद दैट, ओके, अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डू इमिटेशन, वी हैव टू डू इमिटेशन एंड वी ऑल्सो कॉल दिस प्रैक्टिस एज शेडोइंग प्रैक्टिस। एंड अलॉन्ग विद दैट, आफ्टर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, देन वी हैव टू, ओके, ट्राई, वी हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। सिंस द चाइल्डहुड वी हैव बीन इन द हैबिट ऑफ यूजिंग ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओके, वी स्पीक ओनली आवर मदर टंग और हिंदी लैंग्वेज। एंड डिस्पाइट नॉट बींग एबल टू हैव दैट प्रॉपर इन्वायरमेंट, वी ऑलवेज सफर अ लॉट, ओके, वी ऑलवेज सफर अ लॉट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बट नाउ वट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट चेंज योर लेवल ऑफ, चेंज योर लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग। ट्राई टू ट्रांसफर दिस लैंग्वेज फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सपोज कि आपको बेसिक नॉलेज सारी है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं, आपको पता है मोडल्स क्या होते हैं, मोडल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, कौन सी किस सिचुएशन में हमें टेंस कौन सा यूज़ करना है, ओके, यू नो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ओके, यू नो स्टेट ऑफ बीइंग, ओके, यू नो स्टेट ऑफ पोजिशन। इट मीन्स नाउ यू आर रेडी टू डू इनफ प्रैक्टिस। नाउ यू कैन प्रैक्टिस थ्रू स्टोरी टेलिंग मैथड एज वेल एज यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। यू कैन पुट एफर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ओके, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू टोट, यू शुड डू स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स, ओके। एंड इफ देर इज नो वन, यू कैन यूज मिरर टेक्निक, ओके, यू हैव योर फोन, ट्राई टू मेक वीडियोज in front of your camera, in front of your phone, and after making that video, try to watch out, try to listen whatever you spoke and what was right and what was wrong, and if you made mistake, then try to improve, try to
figure it out where you made mistakes, what type of sentences did you speak wrong. It's totally up to you. You know, friends, in a day, okay, in a single day, throughout the day, we have 24 hours, and I think approximately 16 or 15 hours we awake, okay, and we use that time period, okay, we use that time period in order to be habitual to English language. कैसे? जैसे कि मुझे English बोलनी है और मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं क्या English बोलूँ. तो suppose कि आप room में बैठे हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं. आप एक पेन उठा लो, आप एक बुक उठा लो. यू कैन टॉक अबाउट दिस पेन, यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक. और इफ़ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, देन यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ. मींस कि व्हाट टाइप ऑफ बुक दिस इज एंड फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस बुक, विद होम डिड यू गो टू परचेज दिस बुक, ओके, एंड why did you purchase this book, do you like it or not, have you read this book or not. In this way aap questions puchhiye, un questions ke jawab dijiye, and try to make enough sentences. And then aap kya kar sakte hain ki suppose ki aap acche se aap storytelling ki practice kar lete hain, aur ab aapko thoda आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने का मतलब आपको थोड़े अब एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं अपनी लाइफ में. जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं शौकीन हूँ. मैंने कहा ना कि हमें सिचुएशनल इंग्लिश लर्न करनी है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होते हैं. जैसे कि मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ, I would like to have mangoes. मैं आम खाना पसंद करूँगा. I would like to have tea. ठीक, ऐसे हम एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं. हम जरूरी नहीं है कि हमें डिट्टो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो हमने सीखी है, हम उसी का ही यूज करें. और जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन पे वो पर्टिकुलर सेंटेंस या फिर पर्टिकुलर वर्ड ही यूज करें. हम ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपल वे में कि यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड सम बुक्स एंड देन आई केम बैक होम. और इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, हैविंग परचेज्ड अ बुक आई केम बैक होम. क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं. मीनिंग क्या था? मतलब तो वही था ना कि मैं मार्केट गई, मैंने बुक्स खरीदी और मैं घर आ गई. और दूसरे मैंने क्या बोला? हैविंग परचेज्ड बुक्स I came back home. कि किताबें खरीद कर मैं घर वापस आ गई. That's it. किताबें खरीदी, इट मीन्स कि शॉपिंग पे गई होंगी, मार्केट गई होंगी, तभी तो खरीदी ना. तो ऐसे ही आपको सिचुएशंस के ऊपर इंग्लिश सीखनी है. आपको कंडीशन देखनी है और उनको अप्लाई करना है. जैसे आपको कोई काम करना है, आई हैव टू डू, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. और आपको कोई काम करना था, I had to read books, I had to study. आप कुछ चाहते हैं, I want. It's your desire. I want to speak English. I want to go Delhi. I want to read books. I want to study further. ठीक है, या फिर एक ना एक दिन मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा. Sooner or later I will become a doctor. Okay? और ना तो मुझे ये चाहिए ना तो वो. Neither I want this or that. ऐसे सारे सेंटेंसेस का आप यूज करके आप एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो. आपको बस बेस अपना मजबूत करना है. आप टेंसेस में महारत हासिल कर लो, आपकी बेसिक नॉलेज जो है ग्रामर की वो हो जाए, उसके बाद आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो. और जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, और सबसे मेन होता है वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स को हम ऐसे जानते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं. आपके पास एक्टिव वोकैबुलरीज है, पैसिव वोकैबुलरी नहीं. पैसिव वोकैबुलरी मतलब कि आप बहुत सारी वोकैबुलरी जानते हो बट आप उनका यूज़ नहीं करते. डिस्पाइट नोइंग ऑल दीज वोकैबुलरीज यू डोंट यूज़ एनी ऑफ देम.
तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इट्स टोटली यूजलेस. तो उन सारी वोकैब्स को याद करो रादर देन लर्निंग और कंज्यूमिंग मोर एंड मोर वर्ड्स. कोई फायदा नहीं है कि आप बस उन सबको बस इकट्ठा करते जाओ. एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने आप क्वेश्चंस बनाओ, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो और उन क्वेश्चंस का जवाब दो. एंड इफ यू डू ऑल दिस प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली देन इट मीन्स यू आर अ डेस्परेट लर्नर. ओके, यू वुड डेफिनेटली अचीव योर गोल्स. एंड आई होप फ्रेंड्स कि अभी आपको समझ आ गया है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. इंग्लिश सीखने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं. बस आपको अपना पर्टिकुलर वे ढूंढना है कि आपके लिए क्या इजी है. कुछ लोगों के लिए रीडिंग बुक्स रीड करना बहुत आसान होता है, उनका इंटरेस्ट होता है उसमें, तो वो रीडिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी बना लेते हैं. कुछ लोगों की लिसनिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है, तो वो लिसनिंग के थ्रू वो दिन भर मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हैं, उसके थ्रू सीरीज़ देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश सीरीज़ देखते हैं, उसके थ्रू अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी बना लेते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ओनली स्पीकिंग ही परफेक्ट होती है, वो ओनली बोलते हैं और धीरे धीरे बोलते 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 सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते 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 वो एक परफेक्ट स्पीकर बन जाते हैं. तो इट मीन्स कि ट्राई टू फिगर इट आउट, व्हाट डू यू वांट टू लर्न एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न, एंड आपको अपना इंटरेस्टिंग वे ढूंढना है. Which one is the interesting way to learn this language according to you? It would be reading. Okay, it could be reading. It could be listening. It could be writing. Anything. It's totally up to you. I don't want to ask you to do only one particular thing to learn this language. And I hope whatever I said, you get it. And now we will meet in a next video. Till then, keep learning, keep practicing, and keep speaking.